बिहार में अब जल्द ही बड़ी संख्या में नए पुलिसकर्मी नियुक्त होंगे। खबर है कि 16 नवंबर को बिहार के 10,459 नए पुलिसकर्मी एक साथ नियुक्त किए जाएंगे। वहीं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से सभी को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इसे लेकर अपर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों से 16 नवंबर को 8,246 सिपाहियों और 2,213 अवर निरीक्षकों को परीक्षा फल के उपरांत नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए पटना पुलिस महानिरीक्षक और पटना वरीय पुलिस अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दी गई है। अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र कुमार ने 4 नवंबर को पुलिस मुख्यालय से संबंधित आयोजित कार्यशाला में जिलों से पुलिस उपाधीक्षक तथा एक पुलिस निरीक्षक को भाग लेने हेतु निर्देशित किया है। साथ ही ये भी बताया कि सोनपुर मेले में पुलिस प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसका उद्घाटन 11 नवंबर को पुलिस महानिदेशक के द्वारा किया जाएगा। वहीं 16 नवंबर को प्रस्तावित नौ नियुक्ति पुलिस अवर निरीक्षकों और सिपाहियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु बिहार पुलिस मुख्यालय के वरीय पदाधिकारी व क्षेत्रीय पदाधिकारी के साथ चर्चा की जाएगी। आज बिहार पुलिस मुख्यालय में डीजीपी संजीव कुमार सिंगल की अध्यक्षता में सभी क्षेत्र और जिलों के वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार समेत बिहार पुलिस मुख्यालय के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।